इंडियन फूड रिमिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें मेरी लेटेस्ट वीडियोस और रेसिपीज को देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फूड रिमिक्स। मैं हूं अनुपम सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाला इंडियन स्वीट डिश, सूजी का हलवा या शीरा। तो चलिए देखते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने शुगर सिरप तैयार करूंगी। यहाँ पर मैंने आधा कप दूध और एक कप पानी लिया है। पानी टोटल क्वांटिटी 1.5 कप है। दूध यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट तक हम गरम करेंगे और उसके बाद आधा कप चीनी डालकर मैं 2 मिनट और गरम करेंगे। जब तक चीनी ना घुल जाए, 2 मिनट बाद गैस बंद करके हम इस शुगर सिरप को दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी लिया है क्योंकि मेरी सूजी की क्वांटिटी आधा कप है, यानी कि जितना कप आप सूजी लेंगे उतना ही कप आप चीनी भी लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी लिया था तो मैं चीनी भी आधा कप यूज़ कर रही हूँ और जो पानी की मात्रा है वो सूजी के 1.5 गुना होनी चाहिए। अब सेम पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डालूंगी और उसमें 5 से 6 कटे हुए काजू और बादाम को बिल्कुल कम आंच पर 2 मिनट तक भूनूंगी। यहाँ पर हमारी आंच बहुत कम होनी चाहिए, नहीं तो हमारे जो बादाम काजू हैं वो जल सकते हैं। दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें अपनी किशमिश डालूंगी और बस 8 से 10 सेकंड तक मैं उसको और भूनूंगी। अब सेम पैन में हम सूजी को कम आंच पर भूनेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारी सूजी जल सकती है। इसे लगातार कम आंच पर चलाते रहिए। मुझे सूजी को भूनने में 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट बाद जैसे ही मेरी सूजी का रंग हल्का भूरा हुआ और उसमें से खुशबू आने लगी, तब इसमें हम आधा कप घी डालकर 2 मिनट तक और भूनेंगे। दो मिनट और भूनने के बाद मैंने इसमें 5 से 6 कुटी हुई इलायची दाना डाला। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने कुटे हुए इलायची दाने का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद मैं इसमें भुने हुए काजू बादाम और किशमिश डाल दूँगी और इसको बस कुछ सेकंड्स तक और भूनेंगे। और 5 से 10 सेकंड्स और भूनने के बाद हम इसमें अपना तैयार किया हुआ शुगर सिरप धीरे धीरे डालकर लगातार चलाएंगे। और अभी शुगर सिरप डालते वक्त हमारा जो आंच है वो मीडियम से तेज होना चाहिए। और अब कुछ ही मिनटों में देखेंगे कि सूजी ने पूरा पानी सोख लिया है। लगातार अच्छे से चलाते रहेंगे।
जब सूजी का हलवा पैन पर चिपकना बंद कर दे और आसपास घी छोड़ दे तो ये निशानी है कि हमारा सूजी का हलवा तैयार है। तो हमारा दानेदार परफेक्ट सूजी का हलवा तैयार है। आप इसे किसी भी मौके पर बना के खाइए या खिलाइए। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली।